ज्ञान द ट्रेसर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे तुलसी के 5 उपाय जिससे आपकी झोली भर जाएगी। विष्णु जी निश्चित आपकी बात सुनेंगे। तुलसी विष्णु प्रिय है। कार्तिक में तो तुलसी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर कोई अपने मन की बात भगवान को सीधे न कह सके तो तुलसी के माध्यम से अपनी बात भगवान तक पहुंचा सकता है। भगवान कृष्ण भी किसी की बात सुने या ना सुने, लेकिन तुलसी जी की बात हर हाल में सुनते हैं। तो अगर आपको सुख दुख भगवान से शेयर करना हो तो उसके लिए पुराणों में एक विधि बताई गई है, तुलसी माता की पूजा करनी होगी। और इसी विधि से भगवान श्री हरि विष्णु ने भी तुलसी को प्रसन्न किया था। अभी पहली चीज, तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, उस पर तोरण से सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं, तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं, तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें, दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आह्वान करें। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र ह्रीं क्लीं ऐं वृंदवन्य स्वाहा, इसको आप शुरुआत करेंगे श्रीम से, शिम ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्य स्वाहा, शिम ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्य स्वाहा। घी का दीपक और धूप दिखाएं, सिंदूर रोली चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं, तुलसी का वस्त्र से अलंकार करें, फिर लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़ें, तुलसी के चारों ओर दीपदान करें, अपनी मनोकामनाओं को तुलसी को बताएं। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर है। जिन दंपतियों के यहां संतान ना हो वो तुलसी नमाष्टक सुने, घर में किलकारी गूंज उठेगी। तुलसी नमाष्टक के पाठ से ना सिर्फ शीघ्र विवाह होता है बल्कि बिछड़े संबंधी भी करीब आते हैं। नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करने से नए घर में संपत्ति की कमी नहीं होती है। नौकरी पाने, कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। तो अगर आप कार्तिक मास में तुलसी का इस तरह पूजन करेंगे तो आपकी सभी कामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिया है और उनकी पत्तियों में वो शक्ति है जिसे पाकर भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।